शेख साहब, अगला सवाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा एक सवाल है, अगर जब रास्ते में हम चलते हैं या हमें कोई ठोकर लग जाती है, रात में कोई बिस्तर से गिर जाते हैं हम, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें भूत नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये दो सवाल किए हैं इन्होंने इसमें कि अगर राह चलते हुए अचानक से ठोकर लग जाए, गिर गए, या फिर ये सोए हुए हैं बिस्तर से गिर गए, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई भूत वगैरह से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ये कहना चाह। आदमी को ठोकर लगती है उसके ना देखने की वजह से भी, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही सबब हो, लेकिन आदमी जब सोचने लगता है, खौफ करने लगता है, किसी चीज़ में डूब जाता है, तो उसका ध्यान पहले वहीं जाता है। हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूत से, जिनों से इतना ज़्यादा अपने आप को डराने की कोशिश और अपनी लाइफ को ऐसी ना बना लें कि छींक भी आए, ज़ुकाम भी हो जाए, शायद जिनकी वजह से हुआ होगा। अगर कोई हमारे नादानी की वजह से, हमारे कम तजुर्बे की वजह से, हमारे कुछ गलत करने की वजह से कुछ नुकसान उठा लेते हैं हम, या बिजनेस में कुछ लॉस आता है, तो लोग ले जाकर उसको जादू से जोड़ देते हैं, जिन से जोड़ देते हैं, ये एक गलती है। दूसरी तरफ गलती ये है कि इसका इनकार क्या आता है, बादोखात ऐसा मुमकिन है, क्योंकि जिन की जो सिरिश्त है वो आग से है, तो जिन तो शरारत करना चाहेगा, वो कभी मुमकिन है कि वो आपको ठोकर लगाए, वो कभी आपको ढकल दे। जैसा कि अबू बकर जाबर अल जज़ायरी ने एक वाक़या ख़ुद उनके अपने ख़ानदान का, कि एक बच्ची ने गर्म पानी फेंका, अब जब हम गर्म पानी फेंकते हैं तो अक्सर हम बिस्मिल्लाह कहकर नहीं फेंकते, तो नतीजा क्या निकलता है, वहाँ पर अगर कोई जिन हो और उस पर वो गर्म पानी पड़ जाता है तो फिर वो बदला लेते हैं इंतकाम के तौर पर, नतीजे में फिर उसको ढकलना, घर में तकलीफ देना, ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर मसले को, हर वाक़े को ले जाकर जिनों से और जादू से जोड़ देने से फिर वही खुराफात का सिलसिला शुरू होगा, फिर वो वहम, वो फोबिया, तो पॉसिबिलिटी है। तो आप हमेशा दुआएं, अल्लाह का जिक्र करने की वजह से जिन आपके करीब आते नहीं है। जैसा कि उलमाए कराम लिखते हैं कि कुछ ऐसे ईमान वाले लोग हैं उनसे तो उल्टा जिन और शैतान डर के भागते हैं, जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है फ़ज़ाइल में, कि तुम वो हो कि जब तुम एक रास्ता लेते हो तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनको पता चलता कि किसी को जिन सता रहा है, तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, जाओ उससे जाकर कहो कि इब्न तैमिया आ रहे हैं इलाज करने के लिए, तो खाली नाम सुनकर ही उसके बाद वो भाग, क्योंकि दुआ कैसी पढ़ने वाले हैं, उस दुआ से फिर क्या होगा, डर के भाग जाते थे। एक मरतबा का वाक़ा है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जाकर दुआ पढ़ रहे हैं, उस जिन ने क्या कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे डर से। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रुको, मेरे डर से नहीं, अल्लाह के डर से जाओ, जाते आते मेरा अकीदा ख़राब कर रहे हो क्या? यानी कितनी बैलेंस बात है इसमें कि मोमिन से भी डरते हैं तो उसकी ज़ात से नहीं, मोमिन के अंदर जो ईमान है उस ईमान का ताल्लुक किससे, अल्लाह से, तो अल्लाह की मखलूक अल्लाह सुबहान व तआला से डरे, यही हमारा बेस होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए। जज़ाकअल्लाह।